Hello everyone, I am the member of the Study Hub. Today we will continue our social reform movement, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा ज्योतिबा राव फुले एंड सत्यशोधक समाज. इनके बारे में पढ़ेंगे. तो इस समाज के फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा राव फुले. और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? एक लो कॉस्ट फैमिली इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की एक छोटी जाति की फैमिली थी, उधर से ये बिलोंग करते थे. ही वेक्ड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुपरमेसी. उन्होंने अपनी लाइफ, पूरी लाइफ में उन्होंने ये स्ट्रगल किसके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल की, जो अपर कास्ट की डोमिनेशन थी, डोमिनेट कर रहे थे ये लोअर क्लास को, और बहुत गंदा बिहेवियर था अपर कास्ट वालों का इन लोगों के साथ. एंड ब्राह्मणिकल सुपरमेसी. उस टाइम सुपीरियर कौन होता था? ब्राह्मण सुपीरियर होते थे. मतलब जो बड़ी कास्ट या अपर कास्ट के लोग थे, वही उनको ही सुपीरियर माना जाता था. हिज फैमिली थ्रू हिम आउट ऑफ हिज फैमिली होम ड्यू टू अपर कास्ट प्रेशर. हिज फादर थ्रू हिम आउट ऑफ हिज फैमिली होम ड्यू टू अपर कास्ट प्रेशर. हिज फादर, उनके पिताजी ने क्या किया, मतलब जो अपर कास्ट प्रेशर में आकर उन्होंने ज्योतिबा राव को घर से ही निकाल दिया. इन 1873 ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज. उन्होंने सत्यशोधक समाज जो है वो कब फाउंड किया? 1873 में. और किसके अंगेंस्ट जो है उन्होंने ये समाज, इस समाज को फाउंड किया था? फाइट अंगेंस्ट कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के अंगेंस्ट जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज जो है वो स्टार्ट किया. कब? 1873 में. He pioneered widow remarriage in Maharashtra and worked for the education for women. उन्होंने क्या widow remarriage के अंगेंस्ट जो है नींव, मतलब नींव रखी कि widow remarriage जो है वो करवानी चाहिए. उन्होंने क्या बोला कि अगर छोटी एज में लड़कियाँ, अगर फॉर लड़कियाँ जो हैं वो विधवा हो जाती हैं, तो उनकी शादी जो है वो करवा देनी चाहिए. और उन्होंने बहुत काम किया औरतों की एजुकेशन के लिए. ज्योतिबा राव फुले एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फुले एस्टेब्लिश द फर्स्ट गर्ल स्कूल एट पूना इन 1848 में. अब इन ज्योतिबा राव फुले ने और इनकी वाइफ कौन थी? सावित्री राय बाई फूले. इन्होंने फर्स्ट स्कूल जो है, फर्स्ट गर्ल स्कूल जो है वो पूना में इस्टेब्लिश किया. कब? 1848 में. लेटर दे वेंट ऑन इस्टेब्लिश्ड मैनी अदर स्कूल एंड ऑर्फनेजेस इन महाराष्ट्र. फिर बाद में इन्होंने बहुत सारे स्कूल जो हैं और ऑर्फनेजेस जो हैं वो खोले. कहाँ पे? महाराष्ट्र में. आल्सो इस्टेब्लिश्ड ए होम फॉर अनविड मदर्स. इन्होंने अनविड मदर्स के लिए भी जो है होम जो है वो इस्टेब्लिश किए. तो ये था इनके बारे में, ज्योतिबा राव फुले के बारे में. अब हम पढ़ेंगे बी आर अम्बेडकर के बारे में. बी आर अम्बेडकर को आप जानते ही होंगे. तो भीमराव अम्बेडकर राइट्स, उन्होंने क्या एक कैंपेन जो है चलाया किनके अगेंस्ट? जो जो दलित के साथ, ठीक है, दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, छुआछूत जो था वो बहुत ज़्यादा था, और उनके लीगल राइट्स, इक्वल लीगल राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई की. ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने. इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ादी के बाद जो है वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने, और उनको आर्किटेक्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम उन्होंने ही किया था. 1824 बहिष्कृत हितकरणी सभा, सत्यग्रह फॉर राइट्स ऑफ अनटचेबिलिटी.
उन्होंने क्या 1824 में क्या किया, बहिष्कृत हितकरणी सभा जो चलाई, जो किसके, एक सत्याग्रह था किसके राइट्स के लिए, अनटचेबल दलित के लिए जो था, उन्होंने ये सभा जो थी चलाई। 1830 में एंटर पॉलिटिक्स एंड डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। 1930 में वो उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया और उन्होंने क्या कर दिया कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उनके लिए डिमांड कर दी उन्होंने। 1832 में आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्ट लिया और पूना पैक्ट में भी ये एक मेन मेंबर थे। 1836 में फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1936 में उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो है वो फाउंड की, जिसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है इन्होंने फाउंड की। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्होंने कास्ट फेडरेशन चलाई। 1956 लीविंग द फोल्ड ऑफ हिंदुज़म ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़म। 1956 में इन्होंने हिंदुज़म छोड़ दिया और बुद्धिज़म में इन्होंने एंटर कर दिया, मतलब वो बुद्धिज़म जो है उन्होंने अपना लिया। अब इनकी फेमस बुक्स जो हैं वो कौन सी हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सबसे पहली बुक क्या है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सेकंड है हु वर द शूद्रास, उन्होंने ये भी एक बुक लिखी। थर्ड बुक थी उनकी जो उनकी फेमस बुक है, कास्ट इन इंडिया द मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी बुक उनकी बहुत बहुत बड़ी बुक है। द फेमस और कॉल मार्क्स, ये भी उनकी बहुत एक फेमस बुक है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल लाइक। इफ यू विल लाइक देन press the bell icon and subscribe my channel।